अपनी उन्नति को सतत बनाए रखने के लिए आदिकाल से आधुनिक काल तक मानव समाज ने विविध प्रयोग किए हैं। पर्यावरण के ह्रास के लिए मानव सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक विकास, नगरीकरण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण घातक अवस्था तक पहुंच गया है। पर्यावरण ह्रास से जलवायु और मौसम का रुख बदल रहा है। आप सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत ठंड पड़ रही है, और अगर बारिश हो रही है तो बाढ़ आने की हद तक की है। ये पर्यावरण का असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों है, इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए। विचार करने का समय इसलिए भी आ गया है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया वो हम सब ने लिया, लेकिन हमने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचा, और अगर नहीं सोचा है तो अब सोचने का वक्त आया है। आने वाली पीढ़ी को हम सौगात के रूप में कुछ दें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया हमने उसका उपयोग अपने जीवन में किया है। बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करें। यह आवश्यक भी है और इस समय के लिए मुझे लगता है समय की मांग भी है। अगर आप इसे करेंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सौगात भी देंगे और अपने पूर्वजों का कर्ज भी उतार सकेंगे। इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के समीप औद्योगिक क्षेत्र ग्राम नगपुरा, रसमड़ा इत्यादि क्षेत्रों में काफी गंभीर रूप लेता जा रहा था, जिसे लेकर आसपास के लगभग 10-15 गांव में रहने वाले लोगों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे बताते हैं कि वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था कि पशुओं के लिए चारे का अभाव, पक्षी आसपास से गायब हो चुके थे। ऐसी गंभीर स्थिति में ग्रामीणों को गांव छोड़ने के लिए विवश होने जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। ग्रामीण काफी चिंतित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में एक दिन दुर्ग लोकसभा की सांसद सुश्री सरोज पांडे जी ने इस क्षेत्र का दौरा कर एक चौपाल आयोजित की, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं से वे अवगत हुईं। चौपाल के दौरान सभी ग्रामीणों सहित गांव के सरपंच द्वारा सिर्फ एक ही मांग रखी गई कि हमारे क्षेत्र में कल कारखानों की बढ़ती संख्या के कारण भयंकर प्रदूषण होता जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयास उद्योगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसी गंभीर बातों को सुनकर क्षेत्र की लोकसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने काफी गंभीर होकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया और कहा, ये जितने भी पेड़ लगेंगे इन सभी पेड़ों के लिए जो भी हमारे यहाँ के महिला मंडल की सदस्य हैं, इन्हें प्रति पेड़ 1 रुपया दिया जाएगा, और ये मैं अपनी सांसद नीति से दूंगी। चूँकि ये पेड़ हम सब मिलकर लगा रहे हैं, इसलिए इन पेड़ों की रक्षा करने का कार्य आपका है, और ये पेड़ वृक्ष का रूप लें, इसके लिए आप सब गर्मियों में इसमें पानी दें, इसे देखें, ये आपका दायित्व है। मैं आज ही संकल्पित होकर प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाऊंगी। गांव से लौटते समय उनकी नजर पास के काफी विशाल खाली मैदान पर पड़ी, जिसे देखकर तत्काल प्रशासन से संपर्क कर उन्होंने जानना चाहा कि ये भूमि किस उद्देश्य से खाली है, इसका क्या उपयोग होना है। जिला उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस जमीन का फिलहाल कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जमीन उपजाऊ नहीं थी। ये खाली पड़ी जमीन CSIDC के अधीन थी। तत्काल सांसद सुश्री सरोज पांडे जी द्वारा CSIDC से संपर्क कर ये जमीन CSIDC से वन विभाग को हस्तांतरित करवा दी गई। वन विभाग से संपर्क कर उन्होंने बैठक आयोजित कर उस बंजर भूमि में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम आयोजित करवाया। 1 लाख पौधों का एक साथ वृक्षारोपण करवाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और दुर्ग शहर के लगभग सभी स्कूलों के बच्चों, स्काउट्स, गाइड, NCC के बच्चों की सहभागिता रही। ऐसी लगन, मेहनत और ईमानदारी के कारण आज 1 लाख पौधे जग गए, बड़े भी हो गए और वृक्ष का रूप ले रहे हैं।
इन पौधों में प्रमुख रूप से सागौन, छाल, आंवला और नीम के पौधे हैं। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए सांसद महोदया ने वन विभाग को निर्देशित कर एक विभाग को नियुक्त कर निरंतर देखभाल करने को कहा। पूरे कार्यों में आसपास के ग्रामीणों को रोजगार देते हुए प्रतिदिन पानी, सिंचाई, खाद के कार्यों को कराया गया, उचित पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है। भीषण गर्मी में उनकी मेहनत रंग लाई और आज पौधे अपना मूर्त रूप लेते जा रहे हैं। सभी कार्यों की निरंतर निगरानी सांसद महोदया स्वयं अपनी उपस्थिति में कर रही हैं। पौधों की कटाई छटाई भी स्वयं कर रही हैं। आज पौधों के मूर्त रूप लेने के कारण आसपास के ग्रामीण काफी हर्षित हो रहे हैं। पर्यावरण एकदम स्वच्छ हो गया है। पर्यावरण शुद्धता पर सांसद सुश्री सरोज पांडे जी की सभी ग्रामवासी काफी सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे सांसद दृढ़ निश्चय के साथ सभी कार्यों को सफलता के मुकाम पर पहुंचाने वाली जनप्रतिनिधि है। आपको पता है, अगर हम 20 पेड़ लगाते हैं, यानी 20 वृक्षों पर 1000 पक्षियों का आशियाना। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ लगाएं और इस एक पेड़ के साथ साथ 20 पेड़ लगाने का यदि संकल्प लेते हैं तो कई हजार पक्षियों के आशियाने को हम साकार रूप लेते हुए देख सकते हैं। वृक्षारोपण का ये वृहद कार्यक्रम हरियर दुर्ग छत्तीसगढ़ के नाम से शुरू किया गया है।